डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है, चैप्टर 12, और इस चैप्टर का नाम है उगते सूरज का देश, जापान। तो जापान को ही उगते सूरज का देश माना जाता है। वहाँ पे सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है, इसीलिए उसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसके अलावा जापान एक बहुत ही विकसित कंट्री है और हमारा मित्र भी है। वहाँ के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ है, इसीलिए वे भारत को एक श्रद्धा भरी दृष्टि से देखते हैं, अपना मित्र मानते हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करते हैं। उगते सूरज का देश जापान द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की विनाश लीला को झेलने के बाद समृद्धि का प्रतीक बन गया। वहाँ मानवीय भावनाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। भारतीयों के लिए उनके दिलों में विशेष प्रेम है। भारत के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है। प्रत्येक जापानी महात्मा बुद्ध के भारत में एक बार अवश्य जाना चाहता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है और वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम उस पर गिराया गया था। दो वहाँ पे ऐसा शहर है जहाँ पे एटम बम गिराया गया था। उन दो शहरों का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। वहाँ पे ही बम गिराने के बाद तहस नहस हो गया था। लगभग बहुत सालों तक वहाँ पे बहुत सारी कुछ भी चीज़ें, पेड़ पौधा वगैरह सब भी नहीं हुआ करता था। भारतीयों के लिए उनके दिलों में विशेष प्रेम है, मतलब भारतीयों से बहुत पहले से उनको लगाव है। भारतीय लोगों को अच्छे पीपल मानते हैं। इसके बाद भारत के प्रति के मन में बहुत श्रद्धा है। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ही पुरानी सभ्यता विकसित है, इसीलिए भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा बनी हुई है और हर कोई एक बार कम से कम भारत आने की इच्छा रखता है। जापान की रेलगाड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी टोक्यो का रेलवे विभाग अद्भुत है। हवाई अड्डे के टर्मिनल के नीचे ही भूमिगत रेलवे स्टेशन है जिसे सबवे कहा जाता है। तीन तीन मंजिलों के सबवे धरती के नीचे है। यहाँ कोई ट्रेन नियत समय से एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होती है। तो यहाँ पे जापान की रेलगाड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन जो है सबसे पहले वही जापानियों ने बनाया था, तो इसीलिए प्रसिद्ध है। और वहाँ पे तीन तीन तल्ला जो है ज़मीन के नीचे स्टेशन बना हुआ है। तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि नीचे ज़मीन के नीचे जो है तीन तीन तल्ला वाला स्टेशन बना हुआ है। वो आसानी से उसको बहुत ही दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है एक दूसरे पे वो धस सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया है। और यहाँ की ट्रेनें जो है बिल्कुल टाइम पे चलती है। यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में देखते हैं कि ज़्यादातर ट्रेनें जो है वो लेट ही चलती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बिल्कुल भी नहीं, टाइम टू टाइम ट्रेन चलती है। सभी स्टेशन ट्रेन वातानुकूलित, आरामदेह और साफ़ सुथरी होती है। टोक्यो में सभी स्टेशनों का जाल सब बिछा है। तो वहाँ जितने भी स्टेशन है, ट्रेन है, सब जो है साफ़ सुथरा रहता है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ हिंदुस्तान में उसका उल्टा होता है। टोक्यो जापान की राजधानी है और वहाँ पे जितने भी स्टेशन हैं सबवे स्टेशन का जाल बिछा हुआ है, मतलब सब नीचे नीचे बना हुआ है। बहुत सारा स्टेशन ज़मीन के नीचे बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ये बड़ा सा शहर है और यहाँ ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो है इसका पिक्चर दिया हुआ है। हिबिया, गिंजा, मारुनोची, तुजाई जैसी नामों वाली कई रंगों की ट्रेनें हैं। इस तरह का वहाँ पे ट्रेनों का नाम दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ राजधानी हो गया और शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, इस तरह का नाम दिया गया है। और यहाँ पे इस तरह का नाम दिया गया है। कहीं भी पहुँचने के लिए नक्शा देखकर स्टेशन पर जाइए। वेंडिंग मशीन से नियत दर का टिकट खरीदिए। अंदर जाने वाले गेट की रेलिंग से पंच करवाइए और स्टेशन से बाहर निकलते समय रेलिंग के खांचे में टिकट डाल दीजिए। कोई टिकट चेकर नहीं, कोई जुर्माना नहीं, सभी लोग ईमानदारी से यात्रा करते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है यात्रा करने के लिए। जहाँ भी आपको जाना है, या तो आप स्वयं जानते हो या फिर वहाँ नक्शा लगा हुआ रहता है, आप उसके उसको देखकर आप टिकट खरीदते हैं। तो टिकट खरीदने के लिए मशीन है, आप पैसा डालेंगे तो टिकट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर उस टिकट को आप पंच करवाएंगे तो फिर दरवाज़ा जो है खुलता है, वो टिकट से ही दरवाज़ा खुलेगा, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है। उसके बाद फिर आप अंदर जाइए, यात्रा करने के बाद वहाँ से जब निकलते हैं तो फिर उसी टिकट को वहाँ कोई मशीन होगा उसमें डाल दीजिए और फिर जो है फिर दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर आप बाहर निकल जाइए। इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। इससे क्या है कि वहाँ पे टिकट चेक करने वाले को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, सारा सिस्टम बना हुआ है और सभी लोग टिकट लेकर ही यात्रा करते हैं।
गिंजा टोक्यो का सबसे शानदार और महंगा इलाका है। साफ चौड़ी सड़कों के किनारे दुनिया भर के सामान से अटे विशाल 10 मंजिलों वाले फैशन स्टोर है। गिंजा एक जगह है वहाँ पे, और काफ़ी महंगा इलाका, मतलब वहाँ पे जो सामान मिलता है वो काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और बड़े बड़े मंजिलों वाले, मतलब 10 मंजिलों तक का फैशन स्टोर बना हुआ है वहाँ पे, और काफ़ी सारा सामान वहाँ भरा रहता है। और वहाँ पे काउंटर पे अक्सर कोई आदमी नहीं रहता है, लेकिन सब जगह कैमरा लगा हुआ है। अक्सर सामान से भरे काउंटरों पर कोई आदमी नहीं रहता, परंतु कैमरे की आँख सब पर निगाह रखती है। महिलाओं के लिए द गिंजा स्टोर में घूमना एक अद्भुत अनुभव है। तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा फैशन स्टोर है, और महिलाओं को फैशन स्टोर में जाना आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। इसीलिए महिलाएं वहाँ पे द गिंजा स्टोर में घूमना काफ़ी पसंद करती है, वहाँ पे सामान लेना पसंद करती है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ, टोक्यो में शिंजुकू, रोपोंगी, आकासाका, डाइट, पार्लियामेंट हाउस, डाइट जो है पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे, जैसे कि हम लोग का संसद भवन है, इम्पीरियल पैलेस तथा टोक्यो टावर दर्शनीय हैं। ये सारे जो है जगह जो है, और इस तरह का बिल्डिंग जो है, ये सारे दर्शनीय हैं, वहाँ पे देखने लायक है, लोग वहाँ पे जाते हैं, पर्यटक लोग। नारंगी रंग का टावर जापान के दूरसंचार का सशक्त माध्यम है। दूरसंचार मतलब रेडियो से संबंधित है, रेडियो स्टेशन है। इसके ऊपर से चारों ओर जापान की उन्नति और समृद्धि के प्रतीक विशाल और बहुमंजिले भवन शाम से सिर उठाए दिखाई देते हैं। तो इस टावर से ज़्यादातर लोग जापान को देखने के लिए जाते हैं। जापान का बहुत सारा हिस्सा जो है वहाँ से दिखाई पड़ता है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जो बने हुए हैं, सारे बिल्डिंग वहाँ से दिखाई पड़ते हैं। कहीं एक छज्जा तक नहीं, कहीं एक पेड़ की छाया तक नहीं, कहीं पक्षियों का कलरव नहीं, केवल इम्पीरियल पैलेस तथा डाइट के पास कुछ हरियाली दिखाई दे जाती है। जापान नेशनल बैंक के बाहर गिंका पेड़, कहीं एक छज्जा तक नहीं, वहाँ पे बाहर इस तरह से जैसे छज्जा हम लोग का निकला रहता है उस तरह का नहीं है, कहीं भी पेड़ की छाया तक नहीं, वहाँ पेड़ भी नहीं है। वहाँ पे जितनी बड़ी पैलेस, इम्पीरियल पैलेस जो बनाया गया है, तो वहाँ पे पेड़ उड़ भी एक भी आसपास नहीं है, और पक्षियों का नाम, पक्षियों का कोई आवाज़ जो है वहाँ पे नहीं है। तो जहाँ इम्पीरियल पैलेस है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसके अलावा डाइट के पास कुछ हरियाली दिखाई देती है, वहाँ पे कुछ बगीचे लगाए गए हैं जहाँ पे हरियाली दिखाई देती है, अदरवाइज दूसरे जगह आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और वहाँ जो बैंक है उसके पास कुछ पेड़ आपको दिखाई पड़ेंगे। गिंका, गिंका का अर्थ ही है धन, जिसकी जापान के पास कोई कमी नहीं है। तो वो बैंक जो है वहाँ पे गिंका का पेड़ लगा हुआ है, और उसका मतलब होता है धन, दौलत, इसीलिए उसका पेड़ वहाँ पे लगा हुआ है। और जापान के पास आज के समय में उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, और वो एक विकसित देश है, विकास कर चुका है, जिसे विकसित देश कहा जाता है। आज दुनिया भर के बाजार उसके कब्जे में। आश्चर्य की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा यहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस होने के बावजूद भी जापान इतना तरक्की कर गया कि सोचना भी मुश्किल है। इसके पीछे कारण है कि वहाँ की सरकार लोगों को ये बतलाने में सफल हो पाए कि हमारा देश एक छोटा देश है, और जिस तरह से हम बर्बाद हुए हैं, अगर सभी लोग मिलजुल कर काम ना करें तो फिर हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए सभी लोग वहाँ पे उस बात को सुने, और सभी ने ईमानदारी पूर्वक काम करना शुरू किया। तहस नहस किए जाने के बाद व एटम बम की विनाश लीला के बाद भी आज जापान आकाश की सीमा को छूने जा रहा है। तो काफ़ी तरक्की कर चुका है, और लगातार वह तरक्की कर ही रहा है। टोक्यो कहाँ समाप्त होता है और योकोहामा कहाँ प्रारंभ होता है पता ही नहीं चलता। योकोहामा जापान की अति आधुनिक बंदरगाह है। साकुरागाची स्टेशन के बाहर ही लैंडमार्क टावर नामक 296 मीटर ऊंची मीनार है, जिसकी 69 मंजिलें हैं तथा 4 मंजिला शॉपिंग प्लाजा धरती के भीतर बना हुआ है। अब टोक्यो और योकोहामा, योकोहामा वहाँ का एक जगह है। तो टोक्यो में जिस तरह की फैसिलिटी है या जिस तरह का वहाँ पे बनावट है, वैसा ही बिल्कुल योकोहामा की भी बनावट है, वहाँ पे भी उसी तरह का सब कुछ सजा हुआ है। इसलिए पता नहीं चलता है कि टोक्यो कहाँ पे ख़त्म हुआ और योकोहामा कहाँ पे प्रारंभ हुआ। उसके बाद योकोहामा एक बंदरगाह है, बंदरगाह जो जहाँ पे बड़े बड़े सीप वगैरह आके लगते हैं, और समुद्र का बगल जो होता है उसी को बोलते हैं। और साकुरागाची स्टेशन के बाहर तो एक टावर है, ये लैंडमार्क टावर है, और इसकी ऊँचाई काफ़ी ऊंची है, 296 मीटर ऊंची है, और इसमें कई मंजिलें हैं, जिसमें 69 मंजिलें हैं, और उन मंजिलों में से
चार मंजिलों को शॉपिंग प्लाजा बना दिया गया है, मतलब वहाँ पे मॉल जैसे होता है उस तरह से खोला गया है जहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और ये धरती के भीतर बना हुआ है। यहाँ दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है, तो इसको जो है आप याद रख सकते हैं कि सकुरागाची लैंडमार्क टावर जो है वहाँ पर सबसे तेज लिफ्ट चलती है दुनिया का, तो ये जीके में आप याद रख सकते हैं। बंदरगाह के ऊपर, बंदरगाह कौन है, योकोहामा, योकोहामा बंदरगाह जो है उसके ऊपर बे ब्रिज नाम का एक पुल है जो रेशम के तारों से, सफ़ेद रेशम के तारों से झूला सा दिखाई देता है, तो दूर से इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। और यह जो है टावर, जुलाई 1993 में पर्यटकों के लिए खोले गए इस टावर को अब तक 34 करोड़ से भी अधिक लोग देख चुके हैं। टावर में प्रवेश शुल्क 300 रुपये है। तो इस टावर की बात कर रहा है, लैंडमार्क टावर जो है उसकी बात कर रहा है। ये टावर जो है पहले बंद रखा गया था और 1993 में इसको ओपन किया गया पर्यटकों के लिए, मतलब जो लोग देखने के लिए जाते हैं इसको, उन लोगों के लिए खोला गया। और अभी तक बहुत सारे लोग, 34 करोड़ से भी अधिक लोग इसको देख चुके हैं, और इसका देखने का फीस जो है 300 रुपये है। जापान में आकर फुजियामा पर्वत न देखा तो पर्यटन अधूरा ही समझो। अचानक पहाड़ियों से अलग थलग फुजी पर्वत की ऊँची चोटी के दर्शन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साधु बाबा सिर मुंडाए ध्यानमग्न बैठा है। आसपास की झीलें व गर्म पानी के झरने मानो फूजी के पैर पखार रहे हैं। हाकोन झील शांत ज्वालामुखी के फटे हुए मुंह पर बनी है। फुजियामा पर्वत जापान में सबसे आदरणीय स्थान माना जाता है। इसकी चोटी तक श्रद्धालु 2 घंटे की पैदल यात्रा करके जाते हैं। फुजियामा पर्वत वहाँ का सबसे आदरणीय पर्वत है, जिस तरह से हम लोगों का देश में हिमालय जो है हम लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय है, वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि वहाँ भगवान शंकर का निवास है, उसी तरह से वहाँ भी इसको आदरणीय माना जाता है। और ये ऐसा लगता है जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद ऊपर बर्फ़ दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई साधु बाबा सिर मुंडाए ध्यानमग्न में बैठे हुए हैं। और उसके नीचे, पहाड़ के नीचे जो है वहाँ पर गर्म पानी की झीलें हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके पैर को धो रहे हैं। इसके अलावा हाकोन झील जो कि ज्वालामुखी जैसे जब फटती है, तो ज्वालामुखी शांत होने के बाद उसके मुंह में पानी भर गया और वो एक झील बन गया। इसी तरह से ये हाकोन झील है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। और फुजियामा पर्वत उन लोगों का आदरणीय स्थान माना जाता है, इसीलिए जितने भी लोग उस पर्वत के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो वे सभी वहाँ पे जाने के लिए 2 घंटे पैदल यात्रा करके जाते हैं। जैसे कि हम लोग वैष्णो देवी जब जाया करते हैं तो उसमें भी पैदल काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, ऊंची ऊंची चढ़ाइयों को चढ़ना पड़ता है। इस तरह से एक श्रद्धा वाले जगह जो होता है उस पर पैदल चल के ही भगवान तक पहुंचना पड़ता है। जापानी और भारतीय संस्कृतियों में काफ़ी हद तक समानता है। अधिकांश जापानी बौद्ध हैं या वे सिंटो धर्म को मानते हैं। इस धर्म में प्रकृति के साधनों जैसे पर्वत, हवा, सूर्य आदि को पूज्य माना जाता है। यहाँ बहुत थोड़े से लोग ईसाई हैं। जापान में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। कहीं भी कोई बच्चा काम या नौकरी करता दिखाई नहीं देता। जापान निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। जापान वास्तव में उगते सूरज का देश है। तो वहाँ की संस्कृति हमारी संस्कृति से काफ़ी मिलती है, इसीलिए वे लोग हिंदुस्तान के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं, यहाँ के लोगों के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं। और ज़्यादातर वहाँ के लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म हमारे हिंदुस्तान से उत्पन्न हुआ है। और एक धर्म है वहाँ पर सिंटो, इस धर्म को माना जाता है। इसके अलावा ईसाई धर्म को बहुत कम मानने वाले लोग वहाँ पे हैं, हालांकि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और बौद्ध धर्म के नियमों के आधार पर पर्वत, हवा, सूर्य, इस तरह के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सब की पूजा की जाती है। और यहाँ भी इस तरह की पूजा किया जाता है, सूर्य की पूजा किया जाता है छठ पूजा में, और पर्वत की पूजा किया जाता है। यहाँ पे कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है आपको कहीं भी काम करते हुए नहीं दिखाई देगा। सारे के सारे जो है पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार लेती है, सभी बच्चों को वहाँ पे पढ़ाती है। और कोई भी बच्चा काम करता हुआ दिखाई आपको नहीं देगा, अगर कोई बच्चा काम करे तो उसके माता पिता को सजा हो सकता है। तो इस तरह से जापान एक विकसित देश हो चुका है, इसीलिए यहाँ वहाँ पर कभी भी आपको कोई बच्चा काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से लगातार जापान जो है अपने प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, इसलिए भी हम जापान को उगते सूरज का देश कह सकते हैं। वैसे तो सूर्य की सबसे पहली किरण वहाँ पे पड़ती है, इसलिए सूर्य जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे यह भी बताया है कि वो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए भी उसको उगते सूरज का देश कहा जा सकता है। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है। कुछ पिक्चर दिया हुआ है इसका, और इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ रहता है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है। तो इसको अगर आप याद करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर टू जो कि इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर है इसका। यहाँ है चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर, जापान को किस विनाश लीला का शिकार होना पड़ा। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की विनाश लीला का शिकार होना पड़ा। जापानियों के मन में भारत के प्रति कैसे भाव हैं। जापानियों के मन में भारत के प्रति बहुत श्रद्धा है, प्रत्येक जापानी महात्मा बुद्ध के भारत में एक बार अवश्य जाना चाहता है। जापान की रेलगाड़ी की क्या क्या विशेषताएं हैं। जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहां जमीन के नीचे भूमिगत रेलवे स्टेशन है जिसे सबवे कहा जाता है। सभी ट्रेन अपने नियत समय पर चलती है। सभी स्टेशन ट्रेनें वातानुकूलित, आरामदेह और साफ सुथरी होती है। गिंजा क्या है, यह क्यों प्रसिद्ध है। गिंजा टोक्यो का सबसे शानदार और महंगा इलाका है। यह 10 मंजिलों वाले फैशन स्टोर के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं के लिए द गिंजा स्टोर में घूमना एक अद्भुत अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो टावर क्यों दर्शनीय है। नारंगी रंग का यह टावर जापान के दूरसंचार का सशक्त माध्यम है। इसके ऊपर से चारों ओर जापान की उन्नति और समृद्धि को देखा जा सकता है, इसलिए जापान का टोक्यो टावर दर्शनीय है। बे ब्रिज के बारे में जानकारी दो। योकोहामा बंदरगाह के ऊपर बना बे ब्रिज सफ़ेद रेशम के तारों से बना झूला सा लगता है। जुलाई 1993 को पर्यटकों के लिए खोले गए इस टावर को अब तक 34 करोड़ से भी अधिक लोग देख चुके हैं। टावर में प्रवेश शुल्क 300 रुपया है। फुजियामा पर्वत कैसा दिखाई देता है, इसे जापानी कैसा सम्मान देते हैं। फुजियामा पर्वत ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई साधु बाबा सिर मुड़ाए ध्यानमग्न बैठा है। फुजियामा पर्वत जापान में सबसे आदरणीय माना जाता है। इसकी चोटी तक श्रद्धालु 2 घंटे की पैदल यात्रा करके जाते हैं। जापान के बच्चों के बारे में 2 वाक्य लिखो। जापान में 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। कहीं भी कोई बच्चा नौकरी करता दिखाई नहीं देता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जापान को उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है। जापान दुनिया का पहला देश है जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है, इसलिए इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसके आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। यहाँ जो शब्द दिया हुआ है इसको सही रूप में करके उसके बाद इसको यहाँ पे भरना है। जैसे कि जापान में मानव, तो मानवीय हो जाएगा। मानवीय भावनाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। वहाँ सभी लोग देश से यात्रा करते हैं, ईमानदार से नहीं, ईमानदारी से यात्रा करते हैं। टोक्यो टावर देश है, दर्शन है, तो दर्शन का हो जाए दर्शनीय। टोक्यो टावर दर्शनीय है। झील है फूजी पर्वत के पैर पखारना है, पखारना नहीं पखारते हैं। यह पर्वत जापान में सबसे आदर स्थान है, आदरणीय स्थान है। यहाँ पे आदरणीय हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, भाषा अध्ययन जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 5 शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 5 से अधिक शब्द दिया हुआ है, तो इसमें से कम से कम 5 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका आंसर जो है आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ 5 नंबर में प्रत्येक शब्द समूह के लिए 1 शब्द लिखिए। तो इसका 1 शब्द में लिखने के लिए कहा गया है, जैसे कि एक बना हुआ है, श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु, दर्शन करने वाला दर्शक, जापान में रहने वाला जापानी, भारत में रहने वाला भारतीय, ईमानदारी बरतने वाला ईमानदार, विश्व भर में होने वाला युद्ध विश्व युद्ध। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 4-4 बार लिखने के लिए कहा गया है, तो इसको आप स्वयं कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर का आंसर जो है आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो बच्चे सिर्फ हमारे चैनल को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।